नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शशिकांत वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जोड़ों से चट चट पटपट की आवाज आना। आजकल बहुत सारे मरीज क्लिनिक पर आकर ये चर्चा करते हैं, बात करते हैं या दिखाने आते हैं, डॉक्टर साहब जोड़ों से आवाज आ रही है तो यह किसी बीमारी का संकेत तो नहीं है? तो इस विषय पे आज बात करेंगे कि जोड़ों से आवाज आना, चटचट की आवाज आना कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जोड़ों से आवाज आना कब खतरनाक हो सकता है और कब यह नॉर्मल है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा अंत तक देखें। जोड़ों की संरचना क्या है? सबसे पहले आवाज जो जोड़ों से आ रही है उसके लिए समझना होगा जोड़ों की संरचना क्या है। तो जोड़ों में दो हड्डियां जिनके ऊपर कार्टिलेज चढ़ा होता है, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है और वो जोड़ लिगामेंट से बंधा होता है और उसके ऊपर से कैप्सूल चढ़ा होता है जोड़ पे जो उसे कवर करता है, और जोड़ के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जोड़ की नॉर्मल संरचना हुई। अब आवाज कैसे आ सकती है जोड़ में? एक सबसे कॉमन जो कारण है, जो किसी भी उम्र के लोगों में आवाज आ सकती है, छोटे बच्चों में भी बड़े लोगों में भी, वो साइनोवियल फ्लूइड में नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं, उस कारण से आवाज आती है। जैसे हम लोग उंगलियां चटकाते हैं या अचानक से बैठे हैं, खड़े हुए तो घुटनों में एकदम से चट की आवाज आई, तो वो एक नॉर्मल चीज है, उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, और किन चीजों से हो सकती है? जोड़ों से जो आवाज आती है उसको साइंटिफिक भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है। तो कौन कौन से क्रेपिटस होते हैं ये समझने की जरूरत है। बोनी क्रेपिटस होता है, बोनी क्रेपिटस मतलब हड्डी से आवाज आना। जब कभी फ्रैक्चर हो जाएगा तो डॉक्टर फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए, फ्रैक्चर का जो है जांच करने के लिए, हड्डी को हल्का सा हिला के देखते हैं और उसमें हल्का सा क्लिक साउंड आता है, उसको बोनी क्रेपिटस कहेंगे। तो वो एक फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए, मरीज भी बताता है साहब इसमें आवाज जैसा कुछ है, तो उससे वो बोनी क्रेपिटस हुआ। अब जॉइंट क्रेपिटस की, जॉइंट के अंदर से आवाज आना, तो जॉइंट के अंदर से कार्टिलेज की कमी हो जाएगी तो जॉइंट में फ्रिक्शन की वजह से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाएगी, उसमें फ्रिक्शन की वजह से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। लिगामेंट्स की वजह से भी कई बार आवाज आती है, लिगामेंट्स ढीले पड़ जाते हैं या लिगामेंट्स चोटिल हो जाते हैं तो लंबे समय बाद उसमें जॉइंट में लैक्सिसिटी बढ़ने के कारण आवाज आने लगती है। बर्साइटिस की, बरसा की वजह से भी आवाज आती है, जो जॉइंट के ऊपर लेयर है उसमें इंफ्लेमेशन होने के कारण, सूजन बनने के कारण उसमें जॉइंट आवाज करने लगता है। और एक आवाज होती है जोड़ में चटचट पटपट की आवाज, जो टेंडन्स के कारण भी आती है, हमें फील होता है कि वो जॉइंट में आ रही है, जॉइंट के ऊपर से मसल्स के टेंडन गुजरते हैं तो उनमें भी कई बार टीनोसाइनोवाइटिस होने के कारण उनमें भी फ्रिक्शन से आवाज आने लगती है। तो ये तो कुछ ऐसी आवाजें हुई जोड़ की, ऐसे क्रेपिटस हुए जिनकी वजह से हम चिंतित हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, और ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि ये जॉइंट से आ रही है, टेंडन से आ रही है या कार्टिलेज की वजह से आ रही है। अब कॉमनली यह कब आती है, मतलब किन लोगों को नॉर्मल है, किन लोगों को एबनॉर्मल है? तो जो लोग मोटे ज्यादा हैं, जो जिन लोगों का वजन ज्यादा है, उनके घुटनों से कई बार यह आवाज नॉर्मली आने लगती है, क्योंकि घुटना जो है वेट बियरिंग जॉइंट है तो उसमें आवाज आने लगती है। जिनका ज्यादा जीना चढ़ना उतरने का काम है उनको भी यह आवाज आने लगती है। प्रेगनेंसी में भी यह आवाज आने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बॉडी में, महिला के शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं उनमें जॉइंट लैक्सिसिटी हार्मोनल चेंजेस के कारण बढ़ जाती है, तो उसमें भी ऐसी आवाज आने लगती है और वो बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तो कब यह आवाज एबनॉर्मल होगी, कब इसकी चिंता करने की जरूरत है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो या तो इस आवाज के साथ पेन होने लग जाए, या इस आवाज के साथ सबसे पहले स्टिफनेस होने लग जाए, मतलब ऐसा लगने लगे कि अब जोड़ अकड़ने लगा है, उसके बाद पेन आने लग जाए, रेडनेस आने लग जाए जॉइंट पे, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाए, जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाए, डिफॉर्मिटी का मतलब जॉइंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, टेढ़ा पड़ने लग जाए, तब हमें सोचने की जरूरत है, अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, जिससे कि समय चलते पता चले कि कारण क्या है इस आवाज का। दूसरा चीज, जो नॉर्मल आवाज है, मान लिया 55 ईयर्स में या 60 ईयर्स की एज में यह आवाज आना शुरू हुई, तो भी हमें थोड़ा सा
मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि इस आवाज को रोक लिया जाए, क्योंकि साइनेबल फ्लूइड या कार्टिलेज घिसने की वजह से अगर यह आवाज आ रही है, तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसी चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं या डॉक्टर सलाह देते हैं जिन्हें लेने मात्र से यह आवाज खत्म हो जाती है, या अर्ली एज में घुटने आवाज करने लगे हैं, जैसे 40 का एज ग्रुप है उसमें अगर घुटने आवाज करने लगे हैं, तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, उन्हें लेने से यह आवाज खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, जॉइंट हेल्दी हो जाता है, वो जॉइंट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो जॉइंट को चाहिए उसके लिए जरूरी है ऐसे जॉइंट सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स। लिखिए, सबसे पहला ग्लूकोसामाइन सल्फेट, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, फूड सप्लीमेंट है, आप ले सकते हैं। दूसरा कोलेजन पेप्टाइड टाइप 2, जॉइंट्स के लिए बहुत ही हेल्दी सप्लीमेंट है। तीसरा ओमेगा 369, यह आप डेली ले सकते हैं, 3 महीने तक ले सकते हैं, आपको काफी राहत मिल जाती है। चौथा रोजहिप एक्सट्रैक्ट भी 2-3 महीना लेने से जॉइंट्स की हेल्थ में काफी इजाफा हो जाता है। यह कुछ सप्लीमेंट्स हुए जिनसे जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है, यह चट चट पटपट की आवाज को खत्म किया जा सकता है। आर्थराइटिस अगर होने वाला है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में आर्थराइटिस आने वाला है, तो उसको रोका जा सकता है। तो आज के बाद चट चट पटपट की आवाज अगर जोड़ों से आती है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल समझेंगे, बशर्ते उसमें दर्द ना हो, स्टिफनेस ना हो, रेडनेस ना हो, स्वेलिंग ना हो और डिफॉर्मिटी ना हो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।